स्टार्ट विथ एमबीए बीके सिंह। सोमवार की बात एमबीए बीके सिंह के साथ। दोस्तों ये 2021 से ये चलता रहा है और इस वीडियो में एक खास बात ये रहती है कि सोमवार को स्टॉक मार्केट में क्या होगा और हर ट्रेडर की इच्छा होती है कौन सा स्टॉक ऐसा मिल जाए। अपने हिसाब से भी एनालिसिस करते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। सर्च और रिसर्च के बाद किसके हाथ सोमवार को कुबेर का खजाना लगेगा, ये आप इस वीडियो में जो ये 2021 से चलता रहा है सोमवार की बात एमबीए बीके सिंह के साथ। चलिए दोस्तों बता दें कि कुबेर का खजाना सोमवार को किसके हाथ लगने वाला है और कौन सा सेक्टर कुबेर का खजाना बनने वाला है दोस्तों। और ये स्टॉक मार्केट में कुबेर का खजाना किसको मिलता है ये भी सोमवार को सुबह 9 बजे तो पता चलेगा ही दोस्तों। आज ही हम बता देते चलिए कि सोमवार को कुबेर का खजाना वाले शेयर और इस इन सभी शेयरों में जबरदस्त कमाई होगी और लॉन्ग टर्म में लेकर रखेंगे तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए। चलिए पहले तो ट्रेडर की बात करें दोस्तों। दोस्त आप एक बात बताइए, कमेंट में लिखिएगा दोस्तों, जो मैं आपको भाई ये बात बोलने वाला हूँ। आप स्टॉक मार्केट में कब जुड़े हैं और जुड़ने के बाद आपने क्या क्या सीखा है दोस्तों, अपने डायरी में लिखिए। शेयर मार्केट में पैसा कमाने तो आए हैं, स्टॉक मार्केट में तो अमीर धनी बनने आए हैं, निफ्टी 50 निफ्टी बैंक में कमाकर करोड़पति अरबपति बनने आए हैं, लेकिन ज़रूर बने ये हमारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों इंटरनेटक मुंबई एमबीए बीके सिंह जो बात बोलने जा रहे हैं उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आप एग्ज़ाम में बैठते हैं दोस्त, एग्ज़ाम में बैठते हैं और उस एग्ज़ाम में सिर्फ 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और उस 2.5-3 घंटे की जो पेपर होती है, आप उस घंटे का, उस समय का कभी एग्ज़ाम दिए होंगे तो उस वो दिन याद कीजिए, वो समय याद कीजिए कि 2.5-3 घंटे कैसे गुजर जाते हैं। किनके लिए? जिनको मालूम है आज, जिन्होंने 1 साल पढ़ाई किया है, वो ना तो इधर देखते हैं ना इधर देखते हैं, उनका पेन और जो हाथ की ये लगे हुए पेन जो है वो सिर्फ पेपर में चलते रहता है। और जिनको सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने के लिए मिल गया परमिशन, पढ़ाई कुछ नहीं किया दोस्त, कभी वो 1 साल में 1 महीना कॉलेजेस में नहीं गए होंगे, कभी 1 महीने में 1 सब्जेक्ट का प्रॉपरली कौन सा लेक्चरर आते हैं उनको ये भी नहीं, नाम भी नहीं पता होगा। तो आप बताइए दोस्तों उनको
एग्ज़ाम में कितना नंबर आएगा, और वो 3 घंटा 2.5 घंटा करेंगे क्या, सबसे पहले तो ये बताइए, हम बताते आप नहीं जानते तो। वो करेंगे क्या जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, जिन्होंने 1 साल पढ़ाई नहीं किया है, वो करेंगे क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उनका दिमाग में फटाक से की बात चलेगा, आंसर तो आता नहीं है क्वेश्चन का, वो क्या करेंगे, चलो नंबर 1 कुछ भी, जानते हैं कि हमको फेल होना है, वो उल्टा जो भी लिखना है, ताकि उनको जो एग्जामिनर है, पेपर जब एग्ज़ाम ख़त्म होता तो जाएगा परीक्षण के पास, परीक्षक के पास, जांच करेगा कितना नंबर, तो देखेगा कि ये जो 25-30 क्वेश्चंस है, ये सभी के सभी कुछ ने ये टिक मार कर दिया है, अंदाजे वो कहा होते ना उधुए पे गरई पकड़ना, बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंदाजे पे जो होगा देखा जाएगा, तो 100-200 क्वेश्चन में से ऐसा नहीं है कि इतनी किस्मत, किस्मत भाग लक, इस बात का बहुत बड़ा माने दोस्तों, इस बात को ऐसे वैसे नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। अब उनका भाग्य और किस्मत इतना ख़राब नहीं है कि 200 में नहीं भी कुछ आता, कुछ पढ़ाई नहीं की, कोई सब्जेक्ट कुछ भी मालूम नहीं है, क्या है इसका आंसर, 4 में से कौन सा सही होगा, ABCD, तो उन्होंने सोच लिया है कि पहला का F, दूसरा का B, तीसरा का C, चौथा का D, वही करेंगे, पहला का A, फिर 5वां का A, 6ठवां का B, 7वां का C, 8वां का D, मतलब 4 को ले लिए, पहला को A, दूसरा को B, तीसरा को C, चौथा को D, 4D हो गया, फिर 5वां को A करेंगे, 6ठवां को B करेंगे, 7वां को C करेंगे और 8वां को D करेंगे, फिर 9वां क्वेश्चन को A करेंगे, ठीक, 10वां को B करेंगे, 11वां को C करेंगे और 12वां को D करेंगे, ऐसे करके 200 क्वेश्चन पूरा करेंगे दोस्त। अगर इस तरह का पढ़ाई करने वाला उसका रिजल्ट क्या होगा, उसी तरह स्टॉक मार्केट में दोस्तों जो ट्रेडिंग करने आ जाते हैं किसी के कहने पे, किसी के सुनने पे, किसी की बात सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं, और कहा था कि अदकल गगरी छलकत जाए, नीम हकीम खतरे जान, स्टॉक मार्केट में भी बहुत लोग हैं दोस्तों, उनको इसे मतलब नहीं है कि कौन सीख रहा है और कौन पढ़ रहा है, उनको इसे कुछ भी मतलब नहीं है, उनका तो बस जो काम है जिसके लिए आए हैं वो अपना करके गए। लेकिन हम आपसे कहते हैं, हम आपके बारे में सोचते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है दोस्त, दिल से मैं बोलता हूँ आप, हृदय से बोलता हूँ, आई मस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉर न्यू बिगनर, न्यू स्टॉक होल्डर, आप पहले ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए किताबें लाइए, पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए, आप अच्छी पढ़ाई किए हैं तो चार्ट निकालिए 10-10, 15-15 साल का, और रातों की नींद खराब कीजिए जी दोस्तों, रातों की नींद खराब करने के चलते ये चश्मा जो है ना, ये चश्मा, ये रातों की नींद खराब करने के चलते ही चश्मा लगा दोस्तों, ये नेचुरल कुछ नहीं है, तब जाके हम आपसे अपनी अनुभव आपको देते हैं, मैं किसी का कुछ भी न लेता हूँ और न उनका अनुसरण करता हूँ, किनका, जो अपने आप को 30 मार्खा समझते हैं दोस्तों, 30 मार्खा समझ रहे ना जी,
तो दोस्तों ये याद रखिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनना है तो आप अपने लाइफ में, जैसे वो स्टूडेंट वाली कहानी सुनाई, एग्ज़ाम और एक साल की पढ़ाई, वही है स्टॉक मार्केट में भी दोस्तों। स्टॉक मार्केट में जितना टाइम स्पेंड करेंगे कम है, इसलिए कि स्टॉक मार्केट इज द बिगेस्ट ओशन, स्काई इज द लिमिट, एनालिसिस चार्ट, वीकली चार्ट, क्वार्टरली चार्ट, मंथली चार्ट, ईयरली चार्ट, 5 ईयर्स चार्ट, 10 ईयर्स चार्ट, कैंडल चार्ट, ग्रीन, स्काई द लिमिट पैटर्न ऑफ कैंडल स्टिक्स, स्काई द लिमिट स्टॉक मार्केट को आप जितना समय देंगे आप उतना उसमें से निकाल, जैसे कि समुद्र की गहराई में जितना नीचे जाएंगे दोस्तों, उतने अच्छे रत्न प्राप्त होते हैं, और यही है स्टॉक मार्केट की पहचान कि जिसने लंबे समय तक अनुभव किया, लंबे समय तक टाइम स्पेंड किया, 20 साल 25 साल, उनका मुकाबला MBA पीके सिंह, जो 25 साल 20 साल का अनुभव, वो मैं 15 साल 16 साल उनका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उनसे सीख सकता हूँ और सीखता हूँ दोस्तों, डेली पर डे सीखता हूँ, इसलिए कि हम तो 10,000 करोड़ बनाने आए दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सोमवार की बात MBA पीके सिंह के साथ में, ये स्पेशल स्पोर्ट जो हम आपको इसमें बताए हैं, ये एक शिक्षा ज्ञान जो हमारे पास था वो हमने आपको दिया। अब इसके बाद 9 बजे लाइव आएंगे, उसमें ज़रूर जुड़िए, 1 घंटा रहेंगे 10 बजे तक, सोमवार की जो स्टॉक कमाई वाले स्टॉक हैं, सिर्फ स्टॉक की बात होगी, ये तो हम आपको ये स्पेशल एपिसोड रहता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पूरा एपिसोड मेरा देख डालिए दोस्तों, सोमवार की बात है मेरे बीके सिंह के साथ, 1-1.5 साल का जितना है डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, कल भी बोला था लाइव में, आज फिर बोल रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और 22 जुलाई को जन्म लेने वाले सभी लोगों को MBA बीके सिंह की तरफ से, इंटरडेटेक मुंबई की तरफ से ढेर सारी हार्दिक दिल से बधाई, थैंक यू दोस्तों।